नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के किरानापुर तहसील के पटवारी राजकुमार ललहारे को सार्वजनिक स्थल पर गुटखा खाकर थूकना महंगा पड़ गया। किरानापुर एसडीएम सुश्री आयुषी जैन ने पटवारी को गुटखा खाने के बाद थूकते हुए देख लिया। पटवारी को इस तरह सार्वजनिक स्थल पर थूकने के लिए उन्हें फटकार भी लगाई। इसके बाद उन्होंने पटवारी श्री ललहारे पर सार्वजनिक स्थल पर थूक कर गंदगी फैलाने के लिए 1,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और उसका 2 दिनों का वेतन काट कर उस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने के आदेश दे दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है। ये बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श करने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। थूकने पे कार्रवाई की गई है एक पटवारी के ऊपर। सर, क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई की? जैसे कि कोविड महामारी जो है इसके इसको महामारी घोषित किया गया, इसके संदर्भ में आपदा प्रबंधन नियम के तहत मैंने एक आदेश जारी किया था जिसमें गुटखा की बिक्री इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया। उसके पीछे कारण ये था कि लोग थूके ना। यदि कोई थूकता है तो सबसे ज़्यादा संक्रमण की संभावना उसमें होती है। इस कारण से ये नियम है कि इस पर जो भी थूकेगा, पब्लिक प्लेस पर थूकेगा और अन्य प्रकार की गतिविधियाँ इसमें करता है, गुटखा खाता हुआ पाया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में आज एक पटवारी जो कि किरनापुर तहसील थे वो गुटखा खाते हुए पाए गए। इस कारण SDM ने उसको 2,000 रुपये का जुर्माना और 1,000 रुपये का जुर्माना और 2 दिन का वेतन दे पाया। सर, ऐसा क्या रेगुलरिटी ऐसे चलती रहेगी सर? एक कार्रवाई के इसमें यदि ऐसा हो तो निलंबरी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और सभी सरकारी कर्मचारियों को, सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे जनता है, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस नियम का पालन करें और अपने और अपने शहर के स्वास्थ्य के लिए गुटखा